गर्मी में आ रहा है माहे रमजान और रोजे भी रखने हैं, तो भूख और प्यास का सोचकर घबराइए मत, क्योंकि मैं लाया हूँ आपके लिए ऐसी आसान टिप्स जो इंशा अल्लाह आपको भूख और प्यास की शिद्दत से महफूज रखेंगे। नंबर वन, सहरी खाने से पहले या बाद गंदम या जौ के सत्तू को शक्कर के शरबत में मिलाकर पी लें, इंशाअल्लाह भूख और प्यास का एहसास कम होगा। नंबर टू, 10 ग्राम छोटी इलायची पीसकर 250 ग्राम गुलकंद में मिला लें और सहरी या इफ्तारी के बाद एक बड़ा चम्मच इस्तेमाल करें। नंबर थ्री, सहरी के आखिर में 3 अदद छोटी सब्ज इलायची चबाकर खाएं। नंबर फोर, सहरी में रात की बासी रोटी दही के साथ खाएं। इंशाअल्लाह इन टोटकों को अपनाने से रोजे में भूख प्यास या कमजोरी महसूस नहीं होगी। अल्लाह ताला हमें रमजान की बरकतों से मालामाल फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।